आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल जी नू मिलके आया। तुसी सारे जानते हो पिछले दो दिन च केजरीवाल का प्रपंच, केजरीवाल की नौटंकी वो चल रही है और ये नौटंकी कोई नवी नहीं है। जदों 2015 तुहानू याद होएगा दिल्ली जिन्हां दी सरकार बननी सी बहुमत सी इन्हां कोल, उदों भी इन्हां ने इदां दा एक प्रपंच और नौटंकी कीती सी और उहदा भांडा फोड़ इन्हां दा ही कार्यकर्ता एक अजकल फेसबुक ते कर रहा कि इन्हां नू किद्दां उत्थे सद्या, इन्हां ने बार्डर ते किद्दां चिप्पां दित्तियां। और ये नौटंकी पिछले 20 दिन पहला दिल्ली च भी हुई, पंजाब च भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी नू बदनाम करन दे लई ये जिहड़ा प्रपंच रचिया है। बीजेपी पंजाब इन्हों दौड़न नहीं देगी, ये नहीं है कि छुरली छड़न ते दौड़ जान, ये दुध का दुध ते पानी का पानी होएगा। परसों जदों बीजेपी ने जोर पाया कि तुहाडे कोल जिहड़े तथ्य ने, जिस रिकॉर्डिंग की तुसी गल करदे हो, टैलीफोन नंबर और रिकॉर्डिंग और नाम बंदियां दे शाया करो ते परचा दाखिल कराओ, साडे प्रैशर दे नाल होया कि जान छड़ाना औखी हुई भी इन्हां कोल। ते फिर इन्हां ने की कहा कि जिहड़े डीजीपी साहब पुलिस दा बाकी के स्टेट दे अंदर प्रयोग होंदा ते दुरप्रयोग है, इन्होंने कल राती सदुपयोग किया, वह ना कोई सबूत दिते ना कोई कैसेट दिती, अनपछाता जिहा परचा करके दौड़ना चाह रहे ने। असी दौड़न नहीं देना, असी महामहिम राज्यपाल जी नू मंग कीती है कि केजरीवाल दे इस नौटंकी का, इस परपंच का, इस झूठ का, इस तथ्यहीन आरोप की जांच जड़ी है सिटिंग जज तो होए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा जांच करवाए। अगर हिम्मत है इस सरकार के अंदर और ये इल्जाम के अंदर कोई सत्य है तो वह बाहर आना चाहिए, ये असी मंग उन्होंने की है। दूजी असी एक मंग की है, ये जड़े कट्टर ईमानदार की छवि बनाते हुए कट्टर भ्रष्टाचारी हो गए, चाहे वह दिल्ली के अंदर परत दर परत जिस तरीके इन्हां दे भ्रष्टाचार दियां पोल खुल रही है, उदा ही पंजाब के अंदर पिछले दो तीन दिनों तो इन्हां दे एक मंत्री ने होजा सिंह सरारी उहदी एक आडियो चल रही है जिहड़ा अपने बड़े नज़दीकी मित्र दे नाल लैन देन की सैटिंग की फिक्सिंग की गल कर रहा। ये उही भगवंत मान है जदों ने झूठी वाहवा लुटनी सी, अज तक उस केस का कुछ नहीं होया। संगरूर की पार्लीमेंट की जिमनी चोन सी ते हेल्थ मिनिस्टर की एक कहिंदा सी मेरे कोल आडियो आई है, चाहे उहदे आधार से कट्टर ईमानदार लोग हाँ असी अपने मंत्री से कार्रवाई करती। ये कट्टर ईमानदारी हुण क्यों नहीं जाग रही, तीन चार दिनों तो क्यों नहीं जाग रही, क्यों हूँ क्यों परचा नहीं हो रहा? हूँ कहते पे कहते पार्टी जांच करेगी, तो क्या अख्तियार देता परचा दाखिल करन और पूरी उदी इनक्वायरी होए और दोषी जड़े है उदे ते कार्रवाई होनी चाहिए। ये दो मंगा नू लैके भारतीय जनता पार्टी ने मंग की है कि उदी CBI जांच कराए, उस कैसेट की कितनी वैधता है वो बाहर आना चाहिए। और मंत्री ने जिस प्रकार उसे फिक्सिंग, जिस प्रकार भ्रष्टाचार का मामला बाहर आया, वो लोग पंजाब की जनता का अधिकार है कि लोगों को उसकी जानकारी मिले। हिंदी जिहड़ा परचा दर्ज होया है अननोन के खिलाफ होया है, परचा अननोन के खिलाफ, परचा अननोन के खिलाफ हो रहा है, आरोप भाजपा पे, तुम की कहना चाहोगे? ये तो असी रौला पाया, इन्होंने तंबूड़ी के खखरिया हाथ पा लिया पंजाब च, और नाले ना इहदी नौटंकी देख देख के, इन्हों का प्रपंच देख देख के, इन्हों का झूठ देख देख के,
इन्हों का छल कपट देख देख के ना लोग भी अक गए है। और लोग कहते कि बने हुए एम एल ए, और इन्होंने मैं एक गल और दसा, वो बेचारे एम एल ए भी बड़े परेशान होंगे होने, क्या उन्होंने स्वाभिमान को चोट नहीं ला रहे, क्या उन्होंने गैरत को नहीं ललकार रहे, अपने एम एल ए आपे बेईमान बनाई जाते। मतलब मैं उन्होंने बड़े जोर नाल कह रहा, मान साहब तुहानू बीजेपी कोलों कोई खतरा नहीं है, ना ही पंजाब के अन्ने दलों तो खतरा है, तुहाडे कोल पंजाब की जनता का बड़ा वड्डा आशीर्वाद है, तुहानू अगर किसी कोलों खतरा है तो केजरीवाल साहब तो खतरा है। ये ऑपरेशन लोटस नहीं है, ये ऑपरेशन केजरीवाल मान हटाओ ऑपरेशन है। और दिन भी कदों चले उन्होंने सैर सपाटे भेजता, चीमा साहब को खड़े करता। इस करके मान साहब नू सचेत रहन दी जरूरत है। मैनू यह लगता है, मैनू यह लगता है कि केजरीवाल साहब की जिहड़ी अधूरी इच्छा ना, मान पसंद नहीं है, उहदी मान मजबूरी है, क्योंकि पंजाबियों ने पसंद तो उहदी आपे सीएम बनती सी, पिछली बारी दी बयान बुन कढ के देख लो, अतृप्त इच्छा है उहनू, लगता पता नहीं राघव चड्डे नू अगे करके पूरी हो सकती है। ये सारा खेल देख लेना, एक दिन तुम हेडलाइन बनाओगे ऑपरेशन झाड़ू ना बनेगी गल करना, और उधर डायरेक्टर एक्टर केजरीवाल होंगे पंजाब दे, और राघव चड्डा जिहड़ा अंदर मुख्य भूमिका च एक्टर होगा। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है कि वह नरसंहार सी, वो कोई दंगे नहीं सी, वो नरसंहार सी, पंजाबियों का सिखा का छरेआम कतलेआम किया गया सी, और उन्होंने सजा देने वाले कौन ने? नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक बंदी सिंह की रिहाई का मुद्दा बड़ा लटक रहा है जी, बंदी सिंह की रिहाई से की स्टैंड है? उसके ऊपर साडा कानूनी कई पहलू रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड वही है कि ये अंदर जो कानूनी प्रक्रिया उन्होंने करके जिन्हों के नाल सजावं पूरी हो गई उन्होंने विचार करे। ये सारा प्रपंच खोखली राजनीति, दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचार के नए नई परतें इनकी खुल रही हैं, और पंजाब के अंदर भी इनके एमएलएओं के द्वारा और मंत्रियों के द्वारा जिस प्रकार लूट खसूट हो रही है और जनता जवाब मांग रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए केजरीवाल ने इस सारे नाटक की नौटंकी को करने के लिए पंजाब को चुना। और मैं ये लगता है कि तुहानू कानून व्यवस्था का पंजाब का हाल पता ही है, और जिस प्रकार पंजाब नू तोड़न वालियां दे नाल केजरीवाल जी दे उत्ते भी कई तरह दियां गल्लां आईयां। ये पन्नू साहब ने भी उदों कहा सी कि भाई असीं तुहाडी मदद कीती है, तुसीं साडी मदद हुण क्यों नहीं कर रहे। ये सारियां कड़ियां उहदे नाल जुड़ियां, और पंजाब दे लोकां नू सचेत होना पेगा, पंजाबियां नू सचेत होना पेगा, पंजाब दे अमन ते शांति दे लई कट्ठे होना पेगा। Subscribe to One India channel and never miss an update.